लोग भूखा मर रहे हैं और अपनी पार्टी के अमित शाह जिनको पहले लोग कहते थे कि जेरा बदर है तड़ी पार है उसको मेहमेट कर रहे हैं। तो प्रद्युम्न सिंह की बुद्धि को और उनके इस कार्य को मैं शाबाशी नहीं दे सकता। मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह के काम राजनीति में नहीं करना चाहिए। हर जगह कहीं धर्म के नाम पर, कहीं सामाजिक परंपरा के नाम पर अधिकारी कर्मचारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ता इनको धोखे दी जा रही है कि अगर आप उसमें कार्यक्रम में नहीं पहुँचे तो नौकरी समाप्त की जाएगी। आप और पीले चावल इसलिए है कि वहाँ से ले और हमें दिखाओ सबूत दो कि आई कि नहीं आई। इसीलिए इस तरह से उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। राशन राशन पर जो गरीबों का पेट का निवाला है वो छीन कर भारतीय जनता पार्टी अपने कोष में इकट्ठा कर रहे चावल को और फिर उसको बेचेंगे। ना संघ का विश्वास है, इसलिए धीरे धीरे ये जनता के मन में पुराना राजा महाराजों का संपन्न करके उनको महिमा मंडित करके जनता का मन बदलने का काम किया जा रहा है। क्रांतिकारियों को भी बुलाने की कोशिश है। क्रांतिकारी कहाँ, हमें तो दिख नहीं रहा है कहाँ है। कमलापति है, रानी है, ठीक है लड़ाई लड़ी उन्होंने, लेकिन किसी ने जिसने फांसी पर लटका उसका नाम नहीं होना चाहिए था। राजा भोज जिन्होंने भोपाल की आज़ादी में जिन्होंने कई लोग जेल में गए वहाँ फांसी पर लटकाए गए उनमें किसी का नाम दे देते जिसका इतिहास बुलाया जा रहा है। भिंड जिले में सैकड़ों नौजवानों ने आज़ादी की लड़ाई में महारानी लक्ष्मीबाई के साथ दिया, कई लोगों के गांव तोप के सामने उड़वा दिए गए उनका किसी का नाम नहीं। इतिहासी इतिहास मिटाने का काम किया जा रहा है, सामंतों का इतिहास महिमा मंडित किया जा रहा है, मराठों का वापस इतिहास दोहराया जा रहा है। यहाँ मराठा तो मराठे तो यहाँ है ही नहीं, मराठे तो हुआ थे महाराष्ट्र में, उन्हें महाराष्ट्रों को होना चाहिए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में शिवाजी ने अपने हिंदुस्तान की एकता के लिए अपने राज्य वापस आने की गुलामी समाप्त करने की लड़ाई लड़ी उनको महिमा मंडित होना चाहिए। जिन्होंने मतलब आज़ादी की लड़ाई में साथ नहीं दिया हो ऐसे लोगों को महिमा मंडित करना मैं उचित नहीं मानता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।